हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में ये हम लोग जीने की फैंसी स्मार्टफोन इस स्मार्टफोन में फीचर को बहुत बढ़ के दिया गया है, तो आज यही फीचर हम लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आप अपने चैनल नए हैं तो लाइक करके जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि एक वीडियो में बहुत मेहनत लगता है। आप लोग लाइक करके जरूर सब्सक्राइब करते हैं, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये है मेरे पास मोटो G80 5G स्मार्टफोन। तो चलिए इसका हम फीचर टेस्ट करते हैं। सबसे पहले तो अगर हम फोन को दो बार ऐसे चेक करते हैं तो देख सकते हैं फ्लैश लाइट ऑन हो चुका है। फिर दोबारा ऐसा चेक करेंगे तो फ्लैश लाइट ऑफ हो चुका है। क्लिक करने के बाद नीचे देखने को मिलता है फास्ट टॉर्च, उस पर आपको किसको इनेबल कर देना है और फिर आप देख सकते हो जला के फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगा। अगर चाहते हो आप लोग फिंगरप्रिंट एनिमेशन चेंज करना, तो जाना है आपको सेटिंग में सबसे पहले, उसके बाद जाना है यहाँ पे पर्सनलाइजेशन पे, इस पर क्लिक करना है और नीचे स्क्रॉल करने के बाद देखने को मिलता है फिंगरप्रिंट एनिमेशन, उस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से जाके एनिमेशन चेंज कर सकते हैं। और दोस्तों चाहते हो अपने फ़ोन का राइटिंग फ़ॉन्ट चेंज करना, तो सबसे पहले जाना है आपको सेटिंग में, देन वहाँ पर जाके आपको पर्सनलाइजेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखने को मिलता है फ़ॉन्ट्स, उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे कुछ फ़ॉन्ट्स देखने को मिलता है और कुछ इस टाइप से चेंज कर सकते हो। अगर दोस्तों चाहते हो अपने फ़ोन का थीम चेंज करना, तो सबसे पहले जाना है आपको सेटिंग में, उसके बाद यहाँ पर देखने को मिलता है फिर पर्सनलाइजेशन, उस पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखने को मिलता है थीम्स, इस पर जाके आप कुछ इस टाइप से थीम चेंज कर सकते हो। अगर दोस्तों आप लोग चाहते हो ऐप का आइकन चेंज करना, तो वो भी कर सकते हो। तो सबसे पहले जाना है आपको स्टेबलाइजेशन पे, आपको क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे देखने को मिलता है आइकन स्नैप, उस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे कुछ इस टाइप से ऐप आइकन चेंज कर सकते हो। और दोस्तों अगर चाहते हो अपने फ़ोन का डिस्प्ले का कलर चेंज करना, तो वो भी कर सकते हो। सबसे पहले आपको जाना है सेटिंग में, उसके बाद फिर पर्सनलाइजेशन पे क्लिक करना है, देन यहाँ पे देख सकते हैं कलर का ऑप्शन, उस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से अपने हिसाब से कलर एडजस्ट कर सकते हो। और दोस्तों चाहते हो अपने हिसाब से टेक्स्ट का साइज और ऐप का साइज बढ़ाना, तो वो भी कर सकते हो। तो सबसे पहले जाना है आपको सेटिंग में, देन वहाँ पे जाकर पर्सनलाइजेशन पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे देखने को मिलता है डिस्प्ले एंड टेक्स्ट साइज, उस पर क्लिक करना है और यहाँ से देख सकते हो फोन का साइज बढ़ रहा है, कुछ इस टाइप से चेंज कर सकते हो। और दोस्तों चाहते हो अपने फ़ोन में फिंगरप्रिंट लॉक इनेबल करना, तो आपको जाना है सेटिंग में, देन यहाँ पे जाके आपको सर्च करना है फिंगरप्रिंट और फर्स्ट आइकन को आपको क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे देखने को मिलता है फिंगरप्रिंट और यहाँ से जाके आप लोग फिंगर वेरीफाई कर सकते हो, वेरीफाई हो चुका है। दोस्तों अगर चाहते हो अपने फ़ोन में एज लाइट ऑन करना, तो सबसे पहले आपको जाना है सेटिंग में, उसके बाद आपको जाना है पर्सनलाइजेशन पे, देन वहाँ पे जाके आपको देखने को मिलता है सबसे कोने में एज लाइट, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आप लोग जाके कुछ इस टाइप से एज लाइट कलर भी चेंज कर सकते हो। दोस्तों अगर चाहते हो अपने फोन में डिफरेंट डिफरेंट कलर का वॉलपेपर चेंज करना, तो वो भी कर सकते हो। सबसे पहले आपको जाना है सेटिंग में, देन यहाँ पे जाके आपको पर्सनलाइजेशन पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे देखने को मिलता है लॉक स्क्रीन और क्लॉक वॉच फेसेस, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से जाके कुछ वॉच फेसेस भी चेंज कर सकते हो। तो आप चाहते हो अपने फोन में थ्री फिंगर टैप स्क्रीनशॉट लेना, तो वो भी कर सकते हो। सबसे पहले जाना है आपको सेटिंग में, उसके बाद आपको डिस्प्ले में जाना है, देन इसके बाद यहाँ पे देखने को मिलता है थ्री फिंगर स्क्रीनशॉट, उस पर आपको जाके यहाँ पे इनेबल कर देना है। दोस्तों अगर चाहते हो अपने फोन का डिफरेंट डिफरेंट कलर का वॉलपेपर चेंज करना, तो वो भी कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको डिस्प्ले पर टैप करना है, आपको वॉलपेपर पर क्लिक करना है और यहाँ पे देखने को मिलता है कर्व्ड इमेज पर चेंज वॉलपेपर पर क्लिक करना है और देख सकते हो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कलर का वॉलपेपर शो हो रहा है। तो अभी हम चेंज देख सकते हो, मेरा वॉलपेपर चेंज हो चुका है। दोस्तों अगर चाहते हो अपने फोन का 60 हर्ट्ज़ से 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट करना, तो वो भी कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको जाना है सेटिंग में, डिस्प्ले रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज़ 120 हर्ट्ज़ पे जाके आपको इनेबल कर देना है और देख सकते हो डिस्प्ले का फास्टिंग। और दोस्तों चाहते हो अपने फोन के पावर बटन से कैमरा कंट्रोल करना, तो वो भी कर सकते हो। तो सबसे पहले जाना है आपको सेटिंग में, देख सकते हो, देन वहाँ पर जाकर देखने को मिलता है डुअल प्रेस पावर बटन, उस पर आपको क्लिक करना है और इसको आपको कैमरा पे इनेबल कर देना है। और दोस्तों चाहते हो अपने फोन का नेविगेशन साइड बार चेंज करना, तो वो भी कर सकते हो। तो सबसे पहले जाना है आपको सेटिंग में, उसके बाद आपको जाना है जेस्टर्स में, देन यहाँ पे देखने को मिलता है सिस्टम नेविगेशन, उस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से जाके आप लोग मैसेज चेंज कर सकते हो। दोस्तों अगर आप भी चाहते हो पावर बटन से गूगल असिस्टेंट एक्सेस करना, तो वो भी कर सकते हो। तो सबसे पहले जाना है आपको सेटिंग, यहाँ नीचे देखने को मिलता है जेस्टर्स, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखने को मिलता है प्रेस एंड होल्ड पावर बटन, उस पर आपको क्लिक करना है। देखने को मिलता है फर्स्ट देखने को मिलता है पावर मेनू एंड डिजिटल असिस्टेंट, उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो और दोस्तों आप भी चाहते हो फाइव फिंगर दिखा के सेल्फी कैप्चर करना, क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखने मिलता है कैप्चर मेथड, उस पर आपको क्लिक करना है सेल्फी, उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो देख सकते हो कुछ इस टाइप से आप लोग सेल्फी ले सकते हो। दोस्तों चाहते हो कुछ इस टाइप से आप लोग फोटो कैप्चर करना, तो ये भी कर सकते हो सेटिंग में। उसके बाद यहाँ पे देखने को मिलता है जेस्चर्स, उस पर आपको क्लिक करना है और नीचे देखने को मिलता है क्विक कैप्चर, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको आपको इनेबल कर देना है। तो देख सकते हो मेरा कैमरा ऑन हो चुका है, तो आप भी ट्राई करो। दोस्तों चाहते हो अपने फोन में साइड बार के बारे में कुछ ऐप्स कंट्रोल करना, जाना है सेटिंग में, जाने के बाद नीचे मिलता है जेस्टर्स, देखने मिलता है उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखने मिलता है साइड बार, उस पर आपको क्लिक करना है और इसको आपको इनेबल कर देना है। चलिए